नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपना एपिसोड है 18। आज अपन कुछ नया सीखेंगे, जिसमें अपन लॉयन की ड्राइंग सीखेंगे। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यूस, जो ड्राइंग कर रहे हैं, और उनके गार्जियंस के भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हम भी ड्राइंग सीख सकते हैं क्या। तो देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ड्राइंग सीखने का समय है वो अभी इस टाइम लॉकडाउन के अंदर आप घर बैठकर आराम से सीख सकते हैं। और ड्राइंग सीखने के लिए सबसे जो कंपलसरी बेसिक ड्राइंग है वो इसी लेवल से शुरू होती है, जो अभी बच्चे कर रहे हैं। वह अगर आप भी घर पर बैठकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप भी आराम से इस ड्राइंग को सीख सकते हैं। आज अपन ड्राइंग लेंगे एक लॉयन की। लॉयन बनाना बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, उसके लिए मैं आपको सरल ड्राइंग में लॉयन कैसे बनता है उसके एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, तो ध्यान से देखिए बच्चों। लॉयन बनाने के लिए अपन को पहले लॉयन की आँखों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। आँख, नाक और मुंह, तब तक इसका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। देखिए आप इसको, सबसे पहले अपन ये दो डॉट देंगे। डॉट डॉट डालने के बाद एक डॉट यहाँ पर देंगे, ये आँख बनेगी और यहाँ पर बनेगा इसका नाक। तो आँखों को बनाने के लिए देखिए अपन इसको, एक सर्किल इधर, एक सर्किल इधर, ये किया। इसके बाद में इसके ऊपर एक और बड़ा सर्किल करेंगे अपन, इसको आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ठीक है। अब जो ये पॉइंट दिया अपन, इसके ऊपर भी एक सर्किल देंगे, ठीक है, और इसको भी अपन डार्क कर देंगे। इतने तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपन इसके ऊपर ये एक दो लाइन, लाइन देने के बाद अपन इसको एक यहाँ आएगा। अब अपन को बनाना है इसका मुंह। मुंह बनाने के लिए जो ये वाला पार्ट है इसको लेकर के अपन एक इधर से राउंड देंगे और एक इधर से राउंड देंगे। ये राउंड देने के बाद अपन एक नीचे राउंड और एक। अब यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? आराम से बन सकता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब अपन इसमें इसकी मूछें दे देंगे, हो गया। इसके बाद में इसके जो बाल है ना वो अपन को लेने हैं। बाल में अपन को जिगजैग की तरह ही लेने हैं, इस तरह जिग-जिग। इसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ही अपन को लेना है। हो गए। इसके बाद में इसके ऊपर दो कान देते हैं, दे दिया। अब इसके जो आगे के बाल हैं वो लेंगे बड़े, वो भी इसी तरह के होंगे। ये हो गए इसके आगे के बाल। अब ये शेर को अपन इस तरफ भी दिखा सकते हैं और इस तरफ भी दिखा सकते हैं। सेंटर जो शेर का पोज है वो यही रहना है। इस पोज में जैसे फिर अपन सामने का पोज बनाते हैं, तो उसके लिए अपन को यहाँ से इसके पैर देने हैं, बस एक पैर इधर और ये इसका पंजा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको, ठीक इसी तरह यहाँ से भी अपन पैर देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पैर है इसके यहाँ से एक अपन लाइन लेकर इसको यहाँ जोड़ दें। अब अभी जो ये शेर बैठा है ऐसे लग रहा है जैसे पीठ के बल बैठा हो और सामने इसके पैर है, तो अगर अपन को यही पोज रखना है तब तक तो अपन यही ड्राइंग करके इसका थोड़ा सा अपन पीछे से पेट दिखा देंगे। अगर थोड़ा टेपर में लेना है तो दिखाएंगे, अगर नहीं दिख लेना है तो इसको यहीं पर हटा करके इसके पीछे से अपन ऐसे पूंछ निकाल देंगे और इसमें ये जो नाखून ऐड करने वो और कुछ संगल का इफेक्ट दिखाने के लिए अपन इसमें पत्थर और घास दिखाएंगे। जिससे ये लगेगा कि हाँ ये जंगल में ही बैठा है। तो देखिए बच्चों, शेर की ड्राइंग आपने आराम से कैसे बना सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। इसकी आप घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए मैं कल आपके लिए कुछ और नया ड्राइंग में लेके आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।